आज पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में पर्यटन ठप हो गया है। कहीं भी कोई भी घूमने नहीं जा पा रहा है। घूमना तो क्या काम की किसी यात्रा के लिए भी लोगों को 10 बार सोचना पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी ने हम सभी के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है, इसका एक पहलू ये भी है। अब फिर किसी नई जगह पर घूमने का, किसी नए पर्यटन स्थल पर भ्रमण करने का कब मौका मिलेगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपनी लॉकडाउन से पहले की हुई एक यात्रा की कुछ झलकियाँ। राजस्थान में जितने किले और गढ़ हैं वो तो पूरे दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन उसके अलावा भी भारत के दूसरे पर्यटन स्थलों पर बहुत सारे किले हैं। आज मैं आया हूँ दीव के किले पर और इस किले का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं। मेरे साथ आइए, किले का भ्रमण कीजिए और देखिए कि अगली बार जब आपका टूर का प्लान बने तो क्या आप दीव आना पसंद करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। आज मैं हूँ दीव में। देश में पर्यटन स्थलों की आज जो हालत है, जितना ज़्यादा टूरिज्म बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा गंदगी भी बढ़ रही है। इसीलिए अब ज़्यादातर वो टूरिस्ट प्लेसेस अच्छे लगते हैं जहाँ पर चाहे टूरिज्म कितना भी कम डेवलप्ड हो लेकिन साफ सफाई ज़्यादा हो। दीव ऐसी ही एक जगह है। कहने को तो एक ही दिन में दीव के सारे टूरिस्ट प्लेसेस, जितने भी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो विजिट किए जा सकते हैं। ये फोर्ट, नागोवा बीच, नागेश्वर मंदिर वगैरह वगैरह। यहाँ से गिर फॉरेस्ट बहुत ही नज़दीक है, लगभग 60-65 किलोमीटर की दूरी पर आप एक डे टूर बना सकते हैं गिर के जंगलों की सफारी का। ये गुजरात टूरिज्म के वेबसाइट पर ऑनलाइन भी बुक की जा सकती है और एक ही दिन में जाकर वापस आया जा सकता है। दीव में एक छोटा सा एयरपोर्ट भी है जहाँ हर रोज़ एयरलाइंस की एक फ़्लाइट चलती है मुंबई से टू एंड फ्रो। इसके अलावा रेलवे कनेक्टिविटी तो है ही। ये ATR 72-600 छोटा सा प्लेन है, सिर्फ 72 लोगों की बैठने की जगह है और इस तरह की प्लेन्स सिर्फ छोटी दूरी की जर्नीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुंबई से दीव तक की जो दूरी है वो लगभग एक घंटे में पूरी हुई। यात्रा के अधिकतर समय तो समुद्र ही दिखा, लेकिन दीव पर लैंडिंग होने से पहले दीव के बीचेस का, दीव का पूरा नज़ारा देखने को मिला जो बहुत ही बढ़िया लगा। ये छोटा सा एयरपोर्ट, यहाँ बहुत ज़्यादा चहल पहल भी नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड सर्विसेज भी नहीं है, इवन कोई बैगेज बेल्ट भी नहीं है। और ये है दीव का पूरा हसीन नज़ारा। दीव का शहर असल में बहुत छोटा है और यहाँ के जो आकर्षण है वो इसके छोटे बड़े बहुत सारे बीचेस हैं और यहाँ पर अल्कोहल लीगल है, इसीलिए गुजरात से कई लोग यहाँ पर वीकेंड मनाने अक्सर ही आते हैं। दीव में कई जगहों पर यह दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन अभी जारी है, जैसे इस फोर्ट के भी कुछ हिस्सों में अभी कंस्ट्रक्शन जारी है, तो दीव के टूरिस्ट प्लेसेस के रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी दमन और दीव का एक हिस्सा है दीव। ये गुजरात के दक्षिणी हिस्से में है, गुजरात से दक्षिण में पड़ता है ये, और ये दीव का किला यहाँ काफी फेमस है। दीव के किले में जो लाइट हाउस मौजूद है वो इस पूरे शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट है। दीव का ये पुर्तगाली किला गोवा के किले की भी याद दिलाता है। इस फोर्ट से थोड़ी ही दूर समुद्र के बीचों बीच है पानी कोठा, जो एक पुरानी जेल है, वो कैद खाना जहाँ मुजरिमों को रखा जाता था इस विश्वास के साथ कि अब वो कभी वहां से वापस नहीं आएंगे। ये जो इलाका है ये सौराष्ट्र का पेनिनसुला है, वो भूखंड जो तीन साइड से समुद्र से घिरा है, यहीं पर बना है ये दीव का किला। यहाँ पर पुराने ज़माने की बंदूकें, जो शायद मशीन गन है, और छोटे छोटे टैंक्स हैं, ये डिस्प्ले में है, लेकिन डिस्प्ले की भी देख रेख नहीं की गई है। ये तो नीचे की तरफ है, लेकिन इसके सारे पार्ट्स सही सलामत लग रहे हैं। थोड़ी सी और मरम्मत कर दी जाए इसकी तो शायद ये चलने भी लगेगा। ये वाला बिल्कुल सही तरीके से माउंट किया हुआ है। ये एक किला है तो इसके इतने सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, इतने सारे कमरे हैं, इतने सारे पाथवेज हैं कि इनको पूरा एक्सप्लोर करने में शायद पूरा दिन निकल जाए, लेकिन हाँ ये बात भी है कि हर एक कमरे, हर एक कोने को एक्सप्लोर करने जैसा कुछ है भी नहीं।
और तीन साइड से समुद्र से घिरा होने की वजह से इस फोर्ट का एक अलग ही विजुअल एहसास होता है। लगभग हर खिड़की से अंतहीन समुद्र दिखाई पड़ता है, जो कि इस किले को एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है। किसी भी डे टूर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो कैब आपने बुक किया है या जो आपकी टूर एजेंसी है, ट्रैवल एजेंसी है, उसके टाइम टेबल से आपको मेंटेन करना पड़ता है। यानी अगर इस पूरे दीव फोर्ट के लिए आपको सिर्फ एक घंटा दिया हुआ है, तो आपको इसी एक घंटे में इस पूरे जगह का आनंद लेना होगा। आनंद कैसा लेना है? दौड़ दौड़ के एक जगह जाना है, जितने भी अट्रैक्शंस हैं, जितने भी मेन अट्रैक्शंस हैं, उसको देखना है और फिर वापस आपके कैब में जाके बैठ जाना है। कभी भी आपको यहाँ आने का मौका मिले तो इत्मीनान से आइए। इस तरह की जगह पर, इस तरह के अद्भुत बीच पर बैठकर समुद्री हवा का मज़ा लेने का मज़ा तो तभी आएगा जब आपके पास कोई टाइम लिमिट ना हो, है ना? नायडा केव्स और INS कुकरी मेमोरियल रेनोवेशंस के कारण बंद होने की वजह से ये दीव की ट्रिप का मज़ा थोड़ा सा तो किरकिरा हुआ ही, लेकिन चलते हैं नागोवा बीच की तरफ। लाइवली, वाइब्रेंट और वेलकमिंग नागोवा बीच हमेशा पर्यटकों और यहाँ के निवासियों से भरा रहता है। यहाँ बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल रहते हैं, खाने पीने की जगहें भी हैं, लेकिन जो एक चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगी वो है शांति। इसके अलावा जालंधर बीच नाम की एक जगह भी है जो मैप में देखने से तो थोड़ी सी अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको कुछ भी खास समझ में नहीं आएगा, 2 मिनट रुक कर देख लेने से ही हो जाएगा। इसी जालंधर बीच के पास एक साउथ पोल पॉइंट है, जिस जगह से साउथ पोल तक की स्ट्रेट लाइन में कोई भी लैंड मास नहीं पड़ता है। लेकिन मेरी नज़र में दीव का जो सबसे सीरीन और सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था वो इस दूसरी बीच पर था। अभी मैं हूँ खोखला बीच में। ये नागोवा बीच के जैसा फेमस तो नहीं है, और जैसा कि आप देख सकते हैं नागोवा बीच से बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा खाली और बहुत साफ भी है। और यहाँ वेव्स, जो सी वेव्स हैं, और एक रेतीला बीच जो हम किसी भी बीच लोकेशन से एक्सपेक्ट करते हैं, वो यहाँ देखने को मिलता है। आराम से एक शांतिपूर्ण शाम बिताने के लिए ये जगह सबसे बढ़िया है। रिक्लाइनर्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, लेकिन और कुछ हो या ना हो, समुद्र के तट का जो मज़ा है, जो लहरों के बीच पानी में पाँव गीले करने का या नहाने का जो मज़ा है, वो इसी बीच पर मिलेगा। किसी बीच डेस्टिनेशन में, किसी बीच टूरिस्ट लोकेशन में लहरों से ज़्यादा ज़रूरी होती है जो बीच पे भीड़ कम होना और समुद्र गंदा कम होना, जो यहाँ देखने को मिलता है। मुझे बिल्कुल गोवा के बीचेस जैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर, बस यहाँ उतना पोल्यूशन नहीं है और उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। और ये है नागोवा बीच से थोड़ा सा आगे जो सनसेट पॉइंट है, वहाँ से सनसेट का नज़ारा। समुद्र की लहरों की आवाज़ें और समुद्र से चलने वाली हवाओं के बीच सूरज को डूबते हुए देखने का मज़ा ही कुछ और है। ये सनसेट पॉइंट गूगल मैप्स में मार्क तो किया हुआ है, लेकिन इवन कैब वालों की जानकारी में ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि इस जगह को साफ़ सुथरा या डेवलप नहीं बनाया गया है। ओवरऑल देखा जाए तो दीव के बारे में आपका इम्प्रेशन भी ऐसा ही रहेगा कि इसको पूरी तरह से डेवलप अभी नहीं किया गया है, एक टूरिस्ट प्लेस, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में। तो आप किसी कारण से आसपास की किसी जगह में आए हो तो दीव को आपकी टूर का एक हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ दीव तक आने के लिए एक पूरा टूर बनाने का कोई मतलब नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो दीव का किला है वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा समय देने का मन करेगा, और इसके अलावा जो बीचेस हैं, बीच पर आप जितना समय बिताना चाहें उतना समय बिता सकते हैं। तो 1.5 दिन का अगर आप कोई प्लान बनाए दीव घूमने के लिए अपनी किसी दूसरी टूर के बीच में, या दीव के साथ गिर का और यहाँ के आसपास की जगहों का अगर आप टूर का प्लान बनाएं, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे।
खैर बाकी और जो भी हो, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि समुद्र की गहराइयों में सूरज को डूबते हुए देखने का ये नज़ारा मैं देख कर इंजॉय कर सका और आपके साथ भी शेयर कर सका। तो कैसा लगा आपको दीव का ये वर्चुअल टूर करके? क्या आप पहले दीव जा चुके हैं या इस साल आपके दीव जाने का कोई प्लान था? अपने विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने घर से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल के घूम पाए हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वर्सेटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमेशा की तरह आपके फीडबैक और कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी और विषय पर चर्चा करने के लिए मैं जल्द ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आप थे डॉक्टर अभिनव अतुल के साथ और इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज़ माय प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार।